दुनिया भर में एक बार फिर से काफी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। हालांकि इसके खिलाफ टीकाकरण भी काफी तेज हो गया है। इस बीच एक नए शोध में ये दावा किया गया है कि कोरोना के कुछ नए वेरिएंट जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए हैं, उन पर मौजूदा वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी कम प्रभावी हो सकती है। सेल नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार शोध में पाया गया है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी वो ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर कम प्रभावी थे। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ये तुलना की है कि वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी ने कोरोना के मूल वेरिएंट और नए वेरिएंट के खिलाफ कितनी अच्छे तरीके से काम किया। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर एलेक्जेंड्रो ब्लास ने कहा, जब हमने नए वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी की जांच की तो पाया कि 3 नए स्ट्रेन पर यह एंटीबॉडी बेअसर थी। वैज्ञानिकों के अनुसार चीन के वुहान के मूल कोरोना वायरस की तुलना में ब्राजील और जापान में मिले नए स्ट्रेन 5 से 7 गुना ज्यादा प्रतिरोधी थे। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर एंटीबॉडी कम प्रभावी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन प्रभावी नहीं है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।